मगरिब के बाद में 6:30-7 बजे बाग फरीदा मस्जिद के पास दातार नगर पावरवाड़ी में एक हादसा हुआ। एक लेडीज बाथरूम में पानी का गर्म करने के लिए हीटर लगा हुआ था, वो हीटर के अंदर उसका हाथ चला गया। लेडीज बच्चे को कुछ पाखाना वगैरह धुलाने के लिए गर्म पानी करने के लिए रखी थी और उसमें हाथ जाने की वजह से उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद उसकी मौत वाकई हो गई। महल्ले के लोगों ने उनको सिफा हॉस्पिटल में उठाकर लाया। सिफा हॉस्पिटल में जिस वक्त लाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ये जो लेडीज थी इनका नाम है फौजिया निसार अहमद, उम्र इनकी 32 साल है और ये पवारवाड़ी में रहते थे अलग अपनी ससुराल से। शौहर इनके लूम वगैरह चलाते थे और घर में दो छोटी छोटी बच्चियाँ थी जिनकी उम्र जुड़वा बच्चियाँ थी, उनको 1.5 साल की भी बच्ची नहीं थी शायद। तो ये महल्ले वालों ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत करके हॉस्पिटल लेकर गए रिक्शा से। हॉस्पिटल में उनका अपना सिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर इस्माइल साहब ने देखने के बाद उनको मुर्दा करार दिया। फिर हम लोगों ने वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल हम लोग लेकर आए। लाने के बाद पवारवाड़ी के हमारे PSI साहब और वहाँ के हमारे भामरे दादा वगैरह आके उन लोगों ने इनके पंचनामा वगैरह किया और अभी 11:30-12 बजे के करीब में उनके घर वालों के ताबे में हम लोग डेड बॉडी यहाँ से PM वगैरह करके कानूनी प्रोसीजर जो है वो करके उनके घर वालों के ताबे में हम लोग डेड बॉडी दे रहे हैं। इधर ले लो। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।